इस दुख को बढ़ा रहा है बिहार की राजनीति करने वाले राष्ट्रीय जनता दल। उसकी चुप्पी या उसका उन आतिथायियों का समर्थन और लोगों को दुख पहुंचा रहा है। डॉक्टर हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति होने के साथ साथ पिछले 40 वर्षों से उनका बेदाग जीवन है। परंपरागत राजनीतिज्ञ से अलग वो पत्रकार रहे हैं और उन्होंने एक लोकतांत्रिक मानक स्थापित किया है। गांधीवादी दृष्टिकोण के प्रखर प्रवक्ता रहे हैं और वो व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया गया पूरे दुनिया के गांधीवादियों को इसका आघात लगा है, वो चिंतित हुए हैं। और उससे भी दुख आश्चर्यजनक ये है कि जिन लोगों ने अभद्रता किया, जिन लोगों ने अपमानित किया और वही जाकर धरना पर भी बैठ गया, वो अभी गांधी जी के सामने, आज गांधी जी बहुत दुखी होते होंगे। और इन लोगों को इतना भी याद नहीं रहा कि पिछले एक साल पहले जब हरिवंश जी का निर्वाचन हुआ था तभी इन्हीं दलों के नेताओं ने क्या क्या कहा था। इन लोगों ने कहा था कि बहुत दिनों के बाद सब उपसभापति की कुर्सी पर एक निष्पक्ष व्यक्ति बैठा है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो राजनीति से ऊपर संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप काम करता है। और उसके एक साथ सप्ताह के अंदर उन लोगों ने गाली गलौज की, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उनके साथ ऐसी बातें की कि कहा कि आप पक्षपात कर रहे हैं। और उससे भी अतिरिक्त जो कागज थे राज्यसभा के, इसको हम लोग एक तरह से महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जेब में रखते हैं, विधानसभा का बायलॉज हो या राज्यसभा का हो, उसको उन्होंने सरेआम फाड़ने का काम किया, माइक को तोड़ने का काम किया। क्या दिखाना चाहते थे वो? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सभापति की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं होता है, वो संविधान का कस्टोडियन होता है। संविधान का के प्रतीक पुरुष के रूप में वो बैठता है और यदि कोई व्यक्ति आसन का अपमान करता है तो वो व्यक्ति से अलग के अतिरिक्त वो संविधान का अपमान करता है। आज भारत का संविधान उस दिन अपमानित हुआ है और संसार भी हुआ है और ये भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाली घटना। लेकिन उन ताकतों को समझना चाहिए कि भारत के में जब लोकतंत्र खतरे में पड़ा, कांग्रेस जब इस देश में इमरजेंसी लगा दिया और लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया, संविधान को जब उसने बंधक बना दिया, इसी बिहार ने हुंकार लिया था और बिहार सड़क पर आया था और बिहार ने जब सिर्फ एक्ट किया तो पूरे भारत ने रिएक्ट किया था और कांग्रेस की सत्ता वर्षों के लिए बाहर हो गई थी। आज उसी बिहार को फिर ललकारा है, उसी बिहारीपन को फिर ललकारा है और लोकतंत्र को उसी तरह संसार किया है। हम अत्यंत दुखी हैं और उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि किस महान व्यक्ति को उसने अपमानित किया। जो धरना पर बैठे हैं उनके लिए सवेरे सवेरे वो चाय लेकर गए, आज वो 24 घंटे तक उपवास पर है और ये 24 घंटे का उपवास गांधी जी का सर्वश्रेष्ठ हथियार कहें या सर्वश्रेष्ठ उपकरण कहें वो है, उसका प्रयोग उन्होंने किया है। उस गांधीवादी से सीखना चाहिए और आज भी यदि वो लोग, जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत किया है राज्यसभा में, लोकतंत्र को अपमानित किया है, लोकतंत्र को सर्वसार किया है, संविधान पर कुठाराघात किया है, वो यदि आज भी सुधरना चाहे तो मौका है। आज मैं उन लोगों से कहता हूं कि यदि आप धरना छोड़े, हरिवंश जी के घर जाए, उपवास पर बैठे हैं, उनसे माफी मांगे और माफी मांगे बाद पूरे देश से माफी मांगे और यदि ये करने में शर्म आती है तो उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में रहने का नैतिक अधिकार उन्होंने खो दिया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, मैं इस पर बहुत लंबा व्याख्यान दे सकता हूं, कल हमारे नेता सुशील मोदी जी ने विस्तार से आपको बताया है। आज मैं विषय को डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूं, एक शब्द कहना चाहता हूं कि कृषि बिल देश के किसानों के हित में है।
और 2005 में बिहार ने शुरुआत करके दिखा दिया था, और वो है, और जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म होने की बात कहता है, कह रहा था विपक्ष, उसके मुंह पर करारा तमाचा दिया है भारत सरकार ने। आज सभी खाद्यान्नों के सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, जितने अनाज है उनको, ये उनके लिए बड़ा जवाब है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।